हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइक ऑपरेटर के बारे में। ठीक है जी, लाइक ऑपरेटर एक बहुत ही यूजफुल ऑपरेटर है। इसका यूज हम कैसे करते हैं, मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइक ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, लाइक ऑपरेटर को हम पैटर्न्स फाइंड करने में यूज करते हैं। ठीक है, पैटर्न्स कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अपने टेबल के डेटा को डिस्प्ले करवाऊँ, तो यहाँ पे लेट से हमारे पास जो नेम्स हैं, नेम हमारे पास हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो अगर मैं किसी स्टूडेंट का डेटा फैच करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसका जो पूरा नाम है, उस स्टूडेंट का नाम है, वो मुझे नहीं मालूम। लेट से मैं चाहता हूँ कि उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे आ जाए जिनका जो नाम है वो ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, जिनके नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो ए है। तो वो मैं कैसे फैच करूंगा, वो मैं उसको डाटा को फैच करूंगा बाय यूजिंग दी लाइक ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर नेम, और यहाँ पे लिखूंगा लाइक। ठीक है, वेयर नेम लाइक, और इसके बाद यहाँ पे मैं दूंगा पैटर्न। पैटर्न मैं यहाँ पे क्या दूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, बेसिकली उन स्टूडेंट्स का डेटा फैच करना चाहता हूँ जिनका जो नेम है वो ए से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कोर्स के सिंगल कोर्स के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा ए। ठीक है, उसके बाद अब जो मुझे इतना मालूम है कि जो फर्स्ट लेटर है वो ए है। ठीक है, उसके बाद कितने लेटर्स हैं किसी स्टूडेंट के नाम में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके बाद यहाँ पे मैं परसेंटेज का साइन डाल दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट लेटर है किसी भी नेम का वो है ए, उसके बाद जितने मर्जी लेटर हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जो नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं मुझे सिर्फ उनका डेटा चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूंगा ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए यहाँ पे उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे आ चुका है जिनका जो नेम है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे लेट से चाहूं कि मैं सिर्फ उन नेम्स को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं स्टार की जगह पे लिखूंगा सिलेक्ट नेम। ठीक है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक ए, तो मुझे मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ उन स्टूडेंट के नेम आएंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर को भी करवा दूं तो यहाँ पे मुझे नेम के साथ यहाँ पे रोल नंबर भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए उन स्टूडेंट्स के नेम और रोल नंबर यहाँ पे आ चुके हैं जिनका जो नेम है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये तो थी कि जिनका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं ऐसे कहूं कि मुझे उन स्टूडेंट्स के नेम या फिर उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिनके नेम के लास्ट में एन आ रहा है। ठीक है, मतलब कि जिनके नेम का जो लास्ट लेटर है वो एन है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पहले परसेंटेज लगाऊंगा उसके बाद यहाँ पे एन लगाऊंगा। इसका मतलब क्या कि जो लास्ट लेटर है वो एन होना चाहिए, उसके पहले जितने मर्जी कैरेक्टर हो, जितने मर्जी उसके पहले लेटर्स हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जिनका नेम का लास्ट लेटर एन है सिर्फ उसका रिकॉर्ड मुझे मेरे पास मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसको करूंगा रन, तो ये देखिए जिनके नेम के लास्ट में एन आ रहा है, अमन। ठीक है, इसमें चार बार तो अमन ही रिपीट हो रहा है क्योंकि हमारे टेबल में चार बार अमन का रिकॉर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा नाम भी है सचिन, क्योंकि मेरे नाम के लास्ट में भी क्या है, एन है। तो इसने क्या किया, जो लास्ट यहाँ पे लास्ट जो लेटर है वो एन है, सिर्फ उस डेटा को इसने हमें रिटर्न कर दिया, और जिनके लास्ट में एन नहीं है उसको इसने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो ये तो था यूज ऑफ परसेंटेज, ठीक है, इन दी लाइक ऑपरेटर। तो इसमें एक और होता है हमारे पास साइन, विच इज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो परसेंटेज में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको दोबारा से क्लियर कर दूंगा अगर आपको कोई भी डाउट है। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम करेंगे अंडरस्कोर का यूज। ठीक है, अंडरस्कोर का यूज हम कैसे करते हैं, तो परसेंटेज का आपको पता चल गया कि अगर मैं इसके पहले एक लेटर लगाकर उसके बाद में परसेंटेज लगाऊं, लेट से अगर मैं ऐसे करूं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि जो पहला लेटर है किसी भी नेम का वो एन होना चाहिए, उसके बाद कितने भी कैरेक्टर हों मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो फर्स्ट लेटर है वो एन होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको लास्ट में लगा दूं, एन को लास्ट में लगा दूं, पहले परसेंटेज लगा दूं, तो इसका मतलब कि जो लास्ट लेटर है किसी भी नेम का वो एन होना चाहिए, और उसके पहले जितने भी कैरेक्टर हों मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है जी, तो बेसिक सा ये था परसेंटेज का यूज, देसी भाषा में मैंने बताया, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। ठीक है,
और अब हम यूज करेंगे अंडरस्कोर का। तो अंडरस्कोर का मतलब कि लेट से मैं मुझे अंडरस्कोर का मतलब कि मैं किसी पोजीशन पे लेटर को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। लेट से मैं अगर कहूँ, मैं यहाँ पे अगर परसेंटेज का यूज करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मुझे लेट से मैं किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड फैच करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि वो जो स्टूडेंट है जिसका मुझे रिकॉर्ड चाहिए उसका जो नेम का जो सेकेंड लेटर है वो एन है, एम है सॉरी, ठीक है। मतलब कि जिस स्टूडेंट का मैं रिकॉर्ड फैच करना चाहता हूँ उस स्टूडेंट का जो नेम है उसका जो सेकेंड लेटर है नेम का वो एम है, तो मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए। वो मैं कैसे करूंगा, तो फर्स्ट लेटर मुझे नहीं पता तो वहां पे मैं लगा दूंगा अंडरस्कोर, लेकिन सेकेंड लेटर मुझे पता है, सेकेंड लेटर क्या है, एम है, ठीक है। उसके बाद कितने लेटर्स हैं वो मुझे नहीं पता, तो उसके बाद कितने भी लेटर्स हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे मैं क्या लगा दूंगा, वहां पे मैं लगा दूंगा परसेंटेज, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर भी मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ सेकेंड लेटर पता है एम, और जो उसके बाद कितने लेटर्स है वो भी मुझे नहीं पता। तो अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं यहां पे इसको रन करूं क्वेरी को, तो ये देखिए यहां पे, यहां जहां पे सेकंड लेटर है यहां पे अमृत, अमृत में जो एम है वो भी सेकंड पोजीशन पे है, फर्स्ट लेटर क्या है वो मुझे नहीं पता था, ठीक है। अमन यहां पे नीचे क्या है, अमन, तो अमन में भी जो सेकंड लेटर वो क्या है, एम है। उसके बाद कितने लेटर है उसके, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे ये था कि जो सेकंड लेटर है वो एम है, ठीक है। अगर मुझे ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिसका जो सेकंड लेटर है, जिसके नेम का जो सेकंड लेटर है वो ए है, और पहला लेटर मुझे नहीं मालूम, और उसका जो उसके बाद कितने लेटर्स हैं, ए के बाद कितने लेटर्स हैं वो भी मुझे नहीं मालूम, तो मैं उसको भी यहां से फेच कर सकता हूं। अगर मैं इसको यहां पे करूंगा एग्जीक्यूट, तो ये देखिए यहां पे सचिन का रिकॉर्ड आ चुका है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या है, ए है, सचिन में भी सेकंड पोजीशन पे सेकंड जो लेटर है वो ए है, ठीक है। फर्स्ट का मुझे नहीं मालूम था, और ए के बाद कितने लेटर्स हैं वो भी मुझे नहीं मालूम था, इसलिए यहां पे मैंने ए के बाद परसेंटेज डाल दी, लेकिन फर्स्ट लेटर मुझे नहीं मालूम था कि क्या है, तो फर्स्ट लेटर की जगह पे मैंने अंडरस्कोर डाल दिया, ठीक है। तो परसेंटेज का यूज हम कब करते हैं, जब हमें पता हो कि किसी लेटर के बाद, किसी लेटर के बाद कितने भी लेटर्स हों उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम वहां पे परसेंटेज यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाइड पोजीशन की बात करूं कि फर्स्ट पोजीशन पे मुझे नहीं मालूम कौन सा लेटर है, तो वहां पे मैं क्या करता हूं, अंडरस्कोर का हम यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये था डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज और अंडरस्कोर, और आज हमने लाइक ऑपरेटर का यूज देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैंने अपनी तरफ से अपना बिल्कुल 100% दिया है ताकि मैं इस वीडियो को बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है जी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको और अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो तो आप इन वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।